हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चार स्टॉक जो हमें लगता है 31 मई मतलब 31 मई को एक अच्छा मोमेंट दिखा सकते हैं और यहां से आपको प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे व्यूअर्स को, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं वो स्टॉक्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं कल के सत्र के लिए, कल के सेशन में वो कौन कौन सा स्टॉक्स होंगे जो अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और आपको यहाँ से एक अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। जो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है कल के लिए, ये है अरबिंदो फार्मा। अगर आप अरबिंदो फार्मा को डेली चार्ट पे देखोगे तो अरबिंदो फार्मा ने एक जब अपनी नेकलाइन ब्रेक की थी और ये एक सपोर्ट का लेवल था, इसके लिए जो जोन मैंने बनाया हुआ है, ये ब्रेक करने के बाद अरबिंदो फार्मा एक काफी जोर से नीचे गया है और अब यहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। हमें लगता है कि अरबिंदो फार्मा अगर 705 705 के लेवल्स क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगा तो हम इसमें एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले सकते हैं, विद फर्स्ट टारगेट ऑफ 710, सेकेंड टारगेट ऑफ 715 और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 725 का। हमारा स्टॉप लॉस होगा 698 का। अगर अरबिंदो फार्मा इस जो इसका अर्लियर सपोर्ट था, जो जो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर इस यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो हम इसे सेल करके चलेंगे 685 के नीचे। अगर ये कुछ मिनट के सस्टेन करेगा तो टारगेट्स होंगे 680, सेकेंड टारगेट होंगे 693 और थर्ड टारगेट होगा 662 का। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा होगा 693 का। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है कल के लिए, ये है बीपीसीएल। अगर आप बीपीसीएल को देखेंगे तो ये स्टॉक हम पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं अपने प्रीवियस रिकमेंडेशन में, और बीपीसीएल मुझे ऐसा लगता है कि ये हर बार अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आके आइदर ये क्रॉस करने में थक जाता है या तो फिर क्रॉस करने की ट्राई करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बीपीसीएल कल के लिए भी सिलेक्ट किया हुआ है, और हमारे जो बाय के लेवल्स होंगे वो होंगे 410 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो। टारगेट्स होंगे 414, सेकंड टारगेट्स 418 और थर्ड टारगेट्स होंगे 425 के। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 406 का। हम इसमें सेल तभी करेंगे अगर ये 400 के नीचे सस्टेन करेगा कुछ देर के लिए, सिर्फ अगर ये एक सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए जस्ट एक बार स्लाइड करके नीचे आता है वापस 400 के, तो वो ट्रेड नहीं माना जाएगा। 400 के नीचे इसे कुछ देर सस्टेन करना चाहिए, तो हम इसमें सेल करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 396, सेकेंड टारगेट्स 392 और थर्ड टारगेट जो होंगे वो होंगे 386 के। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 405 का। तीसरा स्टॉक जो है जो हमने सिलेक्ट किया है कल के लिए है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्म हो रहा है जहां पर ये प्रीवियसली आके अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत जोर से नीचे आया। ये जो लेवल्स थे ये थे 2450 के। अब एचडीएफसी बैंक वापस से इसी लेवल्स के आसपास आ रहा है और हमें लगता है कि ये एचडीएफसी बैंक के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक इस लेवल को अच्छी तरह ब्रेक करता है विद अच्छे वॉल्यूम और प्राइस को सस्टेन कर पाता है तो 2455 के ऊपर, आई विल रिपीट, 2455 के ऊपर हम इसमें बाय करके चलेंगे। टारगेट होगा 2462, सेकेंड टारगेट होगा 2470 और थर्ड टारगेट होगा 2480 का। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो होगा 2445 का। हम इसमें सेल करके चलेंगे अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और अगर इसको रेजिस्टेंस वापस से लगेगा, अगर यहाँ सप्लाई आ गया तो हमें सेल करके चलेंगे। लेवल्स होंगे 2435 के नीचे जाने के बाद सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 2428, सेकेंड टारगेट 2421 और थर्ड टारगेट होगा 2410 का। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 2443 का। जो आखिरी स्टॉक है हमने जो कल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं ये है लुपिन। यहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंट बन सकता है बाइंग के लिए। लुपिन में मैंने एक नीचे एक जोन बनाया हुआ है, ये जोन लुपिन के लिए एक अच्छा सपोर्ट एक्ट किया है। प्रीवियसली भी करीबन 2018 मई के आसपास भी लुपिन इसी लेवल के पास था, यहाँ से लुपिन ने एक अच्छा बाउंस बैक लेके एक अच्छी रैली दिखाई थी। अप्रैल में लुपिन इसी लेवल्स के पास फिर से आके उसने एक और बार एक बाउंस बैक दिखाया, तो हमें लगता है कि लुपिन के लिए ये जो लेवल है जो 720 से 730 का लेवल है, ये एक लुपिन के लिए अच्छा बेस बन चुका है और यहाँ से लुपिन अपने आप को हर बार सपोर्ट लेते हुए देखा गया है। रिसेंटली 3 दिन पहले भी लुपिन ने यही 720 का लो टच करके वापस से एक ऊपर की तरफ आया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि लुपिन में एक ट्रेड बन सकता है। अगर लुपिन 750 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ देर के लिए तो हम बाय करके चलेंगे विद टारगेट ऑफ 755, सेकेंड टारगेट होगा 762 का, थर्ड टारगेट होगा 770 और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 745 का। सेल के लिए हम अभी कोई लेवल्स नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि लुपिन हम सेल तभी करेंगे अगर ये 715 के नीचे, 715 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस करेगा हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको वो लेवल्स के बारे में बताएंगे। मैं अपने सारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि
जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो इसी वीडियो में नीचे मैंने लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे हमारे थ्रू फायर्स में अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम आपको हमारे फायर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, जहां पर हम रिकमेंडेशन शेयर करते हैं कौन से स्टॉक्स आपको इमीडिएटली ट्रेड करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वो स्टॉक्स जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, हमारे पास कुछ और भी स्टॉक्स होते हैं जो हम लोग रन टाइम पे निकालते हैं मार्केट में, और हम अगर आप हमारे थ्रू फायर्स में अकाउंट ओपन करेंगे तो आप उस ग्रुप में रहोगे जहाँ पर हम लोग आपको इमीडिएटली ऑन अर्जेंट बेसिस पर टिप्स प्रोवाइड करते रहेंगे, मैं कहूँगा, या ट्रेड्स रिकमेंड करते रहेंगे। तो अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो वो लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, और आप उस लिंक पे क्लिक करके आपका सिर्फ डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और फायर्स टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आगे का फॉलोअप कर लेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं May 28 के लिए हमने जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उनमें किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। पहला स्टॉक जो हमने रेकमेंड किया था, ये था ACC। ACC जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक स्प्रिंग टॉप बना रहा है इस लेवल पर, और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बेरिश बैड भी बन रहा था, एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, और उन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि अगर इसके लोग इस कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है ACC, तो हम इसमें सेल करके चलेंगे। वो लेवल्स थे 1735 के नीचे सेल रिकमेंड किया था और हमारे सारे ही टारगेट्स बड़ी आसानी से अचीव हो गए हैं। मैंने ये उस वीडियो में भी कहा था कि जो मुझे इमीडिएट लेवल्स दिख रहे हैं वो है 710 के, जो एग्जैक्टली यहीं पर आज आके टच किया है ACC ने। अगर यहां से बाउंस बैक ACC नहीं ले पाया तो जो नेक्स्ट लेवल्स मुझे लगते हैं, ये लगते हैं करीबन 1670 के, 1670 के लेवल्स है जो मुझे लगता है ACC में बहुत जल्दी आ सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर, ये एक हमने स्टॉक रेकमेंड किया था 29 मई के लिए ट्रेड करने के लिए। 265 के ऊपर हमने बाय रेकमेंड किया था विद टारगेट ऑफ 269 एंड 275। हमारा टारगेट 1 इजीली अचीव हो गया है। सेल के लिए हमने इसमें कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं किया था, कोई लेवल्स रेकमेंड किए थे। एस्कॉर्ट्स, इसको मैंने दो बार रिपीट किया है पिछले दो दिन में बैक टू बैक, 28 और 29 दोनों के लिए, और मैं इसमें कंटिन्यूसली कह रहा था कि यहाँ पर एस्कॉर्ट्स एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और अगर इस रेजिस्टेंस को लेने के बाद कैंडल्स नीचे की तरफ फॉर्म होती हैं तो आप इसमें सेल कर सकते हैं, और मुझे यहाँ से 600 तक की गिरावट नज़र आ रही थी। एस्कॉर्ट ने 605 का लो फॉर्म करते हुए हमारे सारे टारगेट्स बहुत ही ईजिली अचीव कर लिए हैं तीन दिन में। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये एक ट्रेड था जो हमने ओपन रखा हुआ था क्योंकि इसमें हमारा सेल का लेवल इनिशिएट हो गया था, लेकिन दो ही दिन में ये इसने हमारा टारगेट 1 अचीव कर लिया है। इसको मैंने क्लियरली कहा था कि हम इस ट्रेड को ओपन रखेंगे क्योंकि मुझे इसमें काफी कन्विक्शन था कि ये ट्रेड हमारे टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव करेगा। सेम कन्विक्शन मुझे एस्कॉर्ट्स में भी था क्योंकि एस्कॉर्ट्स में जिस तरह के कैंडल्स फॉर्म हुए थे वो कैंडल्स ऐसे लग रहा था कि अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। तो ये थे वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कि कल के सेशन में, मतलब 31 मई को एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। होप सो आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कल को ट्रेड करने के लिए कुछ हेल्प मिलेगी। इस स्टॉक्स के बारे में आपको एक एडवांस इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर डालिए, चाहे आप इसमें ट्रेड अगर आप इसमें से कोई भी ट्रेड में ट्रेड करते हैं जो भी मैंने स्टॉक्स ने बताए हैं इसमें, या आपको कहीं प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में वीडियो रहने चाहिए तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कमेंट में रिकमेंडेशन नहीं डालेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आया कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरफ ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जैसे जैसे कमेंट डालेंगे वैसे वैसे हमें वो एज अ मोटिवेशन और सजेशन होता है कि किस तरह का डिमांड है मार्केट में, लोग किस तरह का नॉलेज चाहते हैं। हम लोगों का बस एक ही इंटेंशन है कि मैं जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूँ उतना मैं शेयर करूँ, और आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके मार्केट में उतना कमाइए, क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आपको वो जिस दिन समझ में आ जाएगा आप धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप एक ही दिन में काफ़ी बड़ा पैसा कमा लेंगे मार्केट से, वो दिन भी जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और आपको उसके लिए बहुत पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए मैं कैंडलस्टिक्स की वीडियो डाल रहा हूँ। होप सो आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक समझ जाएंगे तो आप चार्ट से समझ जाएंगे, और आप चार्ट से समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स एंड बाय बाय।